आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम रुखसाना है। मैं बारा जिले के छबड़ा ब्लॉक के उपकेंद्र बमोरा पर एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ। सर, मेरे सब सेंटर पर एएनएम पर आशा बहन और कार्यकर्ता बहन, हम तीनों मिलकर काम करते हैं। हम तीनों के मिलकर काम करने से हमें ये लाभ हुआ कि जो हमारा लक्ष्य था, सभी गर्भवती महिलाओं की समय पे पंजीकरण, समय पे जांच, वो सफलतापूर्वक होने लगी। इसी क्रम में मेरी आशा बहन मेरे पास सीमा बेरवा को लेके आई, जिसकी प्रथम जांच पे ही हमें पता चला कि उसका हेमोग्लोबिन 4 ग्राम था। हम उसको हर माह की 9 तारीख को होने वाले सुरक्षित मातृत्व दिवस में सामुदायिक भवन लेके गए। वहाँ चिकित्सक द्वारा जांच करवाई तो उन्होंने कहा कि इसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैंने और मेरी आशा बहन ने हमें इसे राज के चिकित्सालय में ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था करी। वहाँ जाके चिकित्सक ने हमें ये बताया कि इसका प्रसव राज के चिकित्सालय में ही होना चाहिए। तो हमने इसके पति को और इसकी सास को जाके घर पे समझाया कि अगर आप वहाँ प्रसव कराओगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेगा, आपको वाहन, दवाई और खाना मुफ्त में दिया जाएगा। तो इसके पति ने और इनके घर वालों ने हमारी बात मानी और इसने राज के चिकित्सालय में प्रसव कराया। इसका प्रसव सामान्य हुआ, 3 किलो का बच्चा हुआ और वो बच्चा आज 9 किलो का है, 9 महीने का है और 8.5 किलो का ये बच्चा है। सर रुखसाना जी, देखिए आज शहर में पढ़े लिखे लोगों को भी पूछोगे कि हीमोग्लोबिन और 4 ग्राम हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है, उसे क्या कठिनाई होती है, ये शहर के पढ़े लिखों को भी मालूम नहीं होगा। रुखसाना, आप लोगों को मालूम है और यही इस पूरी व्यवस्था की ताकत है। और आपके साथ ये जो बड़ी खुशी दिखा रही हो आप, उसका वजन बता बता करके खुद गर्व कर रही हो, मैं चाहूँगा उनकी माता जी कुछ कहना चाहती हो तो। सीमा, नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम सीमा है। मेरा नाम सीमा है और बमोरा की मैं रहने वाली हूँ। सीमा जी, उसको रुलाइए मत, रुलाइए मत। हाँ बताइए। मैं बमोरा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सीमा है और जैसे मुझे पता चला कि मैंने फिर आशा भाभी जी को बुलाया, इन्हों से बोला कैसे थे। आशा भाभी जी मुझे आंगनबाड़ी बहन जी के पास लेके गई, इन्होंने मेरा ब्लड चेक किया, पेशाब जांच की, गोलियां दवाई। आपको ब्लड वगैरह शब्द मालूम है? नहीं, ये चेक खून चेक करते हैं ना, इससे तो ये इन्होंने बोला कि ब्लड की बहुत ही कमी है। तो ये मुझे फिर वहाँ बाहर आए के छबड़ा हॉस्पिटल लेके गई 9 तारीख को। इन्होंने बोला कि ब्लड चढ़वाने जा, मेरे घर वालों को भी समझाया, मेरे पति को भी समझाया, सबको समझाया। मेरे घर वालों ने भी बात मानी, ब्लड चढ़वाया और फिर जब डिलीवरी का टाइम आया तो इन्होंने एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया और आज बच्चा भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। धन्यवाद आपको, आपको बहुत आशीर्वाद और आपका बच्चा बढ़ करके बहुत आगे बढ़े, आपके परिवार के हर समस्याओं का समाधान करे, आपकी भी सेवा करे। देखिए, आपके अनुभव सुनने के बाद मैं देश के उन हजारों लाखों डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो बिना कोई फीस लिए गर्भवती महिलाओं की जांच कर रहे हैं।